हमारे युवा साथी भाई सुखबीर बल्डी, करण सिंह जी जो हमारे बीच में है, भाई सुखबीर बल्डी। पहले सुखबीर बल्डी, हम अपने गांव में पहुंचने पर इनका छत्ती बरादरी की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम इनको अपने गांव की तरफ से वार्ड नंबर एक की तरफ से यह आश्वासन दिलवाते हैं कि हम आपको जीती नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलवाएंगे और ताकि जिसके अंदर कुछ गुण हो ताकि वो आके समाज की सेवा कर सके। हम रिकॉर्ड तोड़ विजय हासिल करेंगे। धन्यवाद भाई करण सिंह जी। कमल चंदेल जी, सागर चंदेल जी, बच्चों, बुजुर्गों, साथियों, देखो कुछ लोग हम राजनीतिक लोग नहीं है, शायद चौधरी लोग ये सोचते हैं भाई ये कमजोर लोग, कहीं ना कहीं ये पता चलती है, आप लोग सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। सुरेश महला जी, भाई आपसे भी निवेदन है, आप चौधरी आदमी हो भाई, कोई आदमी नहीं हमें वोट दे दो भाई, कभी भी कोई शिकायत का मौका आ गई भाई हमारे कान मरोड़ते तो आए और फिर जिस तरह मर्जी मरोड़ लियो, पर हमें भारत की जय, भारत माता की जय। ये बच्चे, मेरी बच्चियां, बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, आप मेरे प्यार में, मेरे सहयोग में यहाँ पर आए हैं। पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूँ और जैसे ही मैं गांव में एंटर हुआ मैंने देखा आगे बाइक पीछे बहुत सारा प्यार मिला। मैं एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूं कि ये मैं कर्जा आपका कैसे उतार पाऊंगा, मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला, सोच भी नहीं सकते कभी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था एक गरीब परिवार का बच्चा जिसे कुछ चंद लोग 8 नंबर गली में जानते हैं वो मेयर का इलेक्शन लड़ेगा, इतना प्यार मुझे मिल रहा है, इतनी जनता, इतने लोग, इतनी माताएं बहनें मेरे साथ में चलेंगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और मैं जैसे ही गांव में एंटर हुआ एक नाम बड़ी देर से मेरे साथी बोल रहे हैं, रमन महला जी कौन है यहाँ पर, रमन महला जी भाई आप यहाँ पे आके बैठो, नहीं नहीं एक बार आ जाओ, देखो मैं आपको जानता नहीं हूँ लेकिन पूरे गांव में आपके चर्चे हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी आपके अंदर है, आपके चर्चे हैं, कोई ना कोई आप मेरे साथी हैं और ये प्यार मुझे मिलता रहे। और हमारे बीच में बहुत सारा मीडिया आज पहली बार कमल गुप्ता जी मेरे पास आए हैं, माने कि हम गरीब हैं कोई बात नहीं आज आए, मैं उम्मीद और आपसे आशा करूंगा कि आगे भी आते रहेंगे। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है वो जनता है, शायद कोई भी ऐसा समाज का व्यक्ति हो जो यहाँ पर नहीं है, रोड समाज, हरिजन बिरादरी, पाल समाज, शर्मा परिवार, जोगी समाज, बाड़ी परिवार, सभी 36 बिरादरी यहाँ पर है, आप मुझे अपना वोट दे दो, अपना सपोर्ट दे दो, मैं आपका ता उम्र ऋणी रहूंगा। आपसे गुजारिश है मेरे युवा साथी जो दिन रात मेरे लिए चल रहे हैं, आज 13 कार्यक्रम मेरे करनाल में है, 13 जगह इतनी भीड़ में देख रहा हूं ना, फिर मैं एक ही बात कहता हूं, शब्द नहीं है, मैं आपका ऋणी रहूंगा। आने वाली 16 तारीख को मेरा वोट, मेरा सहयोग, मेरा सपोर्ट करें, 8 तारीख को निशान आ जाएंगे, मैं आपके बीच में फिर आऊंगा, आता रहूंगा, मेरा वोट और मेरा सपोर्ट करें। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कोमल चंदेल आपकी मेयर की प्रत्याशी है, मैं गुजारिश करूंगा अपना वोट और सपोर्ट इसके साथ में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिल से, मन से आपका धन्यवाद करता हूं। आइए दो शब्द आपके बीच में, सभी बड़े बुजुर्गों का, माताएं बहने और ये मेरे सभी भाइयों का, मैं
सादर प्रणाम करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना सहयोग दिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरी की पूरी 36 बिरादरी आज मेरे साथ है। सभी बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, कहना तो नहीं चाहिए पर कैसे से मुझे लग रहा है मैं आज ही जीत गई। आशीर्वाद मिल गया, माताएं बहनों का प्यार मिल गया तो मैं आज ही जीत गई। अब मैं आप सभी से एक ही अपील करती हूँ कि 16 तारीख को कोई भी घर ऐसा ना हो जिस घर में से कोमल चंदेल को वोट ना मिले, सपोर्ट ना मिले। आप सब मेरा पूरा सहयोग और साथ देंगे, मैं यही आशा करती हूँ। अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि करनाल की जनता सारी बिरादरी 36 बिरादरी मेरा साथ जरूर देगी। कोमल चंदेल जिंदाबाद, कोमल चंदेल जिंदाबाद, कोमल चंदेल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कोमल चंदेल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। आपका सहयोगी मेरी शक्ति है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया। छोटी छोटी गुड़िया है, बच्चियां हैं, आपको एक ही बात सोचनी पड़ेगी कि ये सारे भाई सागर हैं और आप खुद कोमल हो, तभी ये इलेक्शन जीता जाएगा। एक एक नारी, एक एक लेडीज यही सोचे कि मैं ही कोमल चंदेल हूं, और आप सभी ने अपने लिए वोट मांगना है ना कि मेरे लिए। अपने लिए वोट मांगो, एक एक घर से, एक एक नहीं पूरे घर की, पूरे गांव की वोट आपको मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा। भारत माता की जय। और इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, आगे भी कार्यक्रम है, बूढ़ा खेड़ा में कार्यक्रम है, मैंने जाना है। मैं आपसे समय का अभाव माफी चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेयर चुनावों को लेकर पूरे करनाल में सरगर्मियां तेज हैं और आप देख सकते हैं कि सभी उम्मीदवार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर गांव में, हर गली में और हर मोहल्ले में जाने का। और आप देख सकते हैं कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी कोमल पाल चंदेल भी आज यहां पर पहुंची है, इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। और संजय कुमार चंदेल जो उनके पति हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। इससे पहले हम उनसे, पति से बातचीत करते हैं। सागर जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और आजाद तौर पर आप मैदान में उतरे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? चुनाव प्रचार के लिए मैं क्या कहूं मिड्डा जी, चुनाव प्रचार आप देखिए कैसे चल रहा है। सिर्फ जनता ही है मेरे साथ, बस सिर्फ जनता। पूरी 36 बिरादरी का हर गांव में, हर एरिया में पूरा सहयोग मिल रहा है मुझे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं इनका ये कर्जा, ये ऋण कैसे उतार पाऊंगा। सभी समाज के लोग मेरे साथ में हैं और मेरी इनसे यही अपील है, आने वाली 16 तारीख को मुझे वोट और सपोर्ट करें। हमारे कैंडिडेट श्रीमती कोमल चंदेल हासी रोड से हैं, प्लीज़ सभी से गुजारिश है वोट और सपोर्ट करें। इतनी गैदरिंग, इतनी जनसंख्या, इतने लोग, इतने भाई, इतनी बहनें, इतने भाई मेरे साथ में हैं, मैं इनका तह दिल से, मन की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने लिए, अपनी धर्म पत्नी के लिए, आप सभी के लिए, क्योंकि आप ही कैंडिडेट हैं, आप सब लोग कैंडिडेट हैं, मेरा साथ दें, इनके लिए वोट मांगता हूं, बड़ा बड़ा धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख सकते हैं कोमल चंदेल के पति हैं और इस समय कोमल चंदेल हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। कोमल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, चुनावी प्रचार काफी तेजी से आपका पकड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बहुत कम दिन है मेयर चुनावों को लेकर। चुनावों के लिए जी दिन तो कम है, पर मेरी जनता मेरे साथ है तो मैं ये जंग जीत जाऊंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बस मैं यही कहना चाहूंगी, मुद्दों में जी इनकी समस्याएं, गरीबों की जो भी समस्याएं हैं वो सबका मैं यही मुद्दे रहेंगे जी। मेरे गरीब जनता मेरे साथ है, बस मुझे यही कहना है। राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतरी हैं, तो किस तरह से आप समझते हैं कि कंपटीशन रहेगा? कंपटीशन तो जी जनता के साथ होता है, जनता मेरे साथ है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस मेरी जनता मेरा सहयोग कर रही है, मैं जरूर इस जंग को जीत के दिखाऊंगा। कि काफी ज्यादा उत्साह यहां पर सभी उम्मीदवारों में देखने को मिल रहा है और मेयर चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हालांकि अभी पार्षदों की जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुई है, किस पार्षद को बीजेपी टिकट देती है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि रोजाना हम किसी न किसी उम्मीदवार का आपको पूरा चुनाव प्रचार का दृश्य दिखाते हैं। और आज आपने देखा कि किस तरह से कोमल चंदेल, सागर जी उनके पति, किस तरह से कई गाँव में जाकर अपना धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
की जय।